शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एमसीडी में मैडम टीचर हैं आशा गौतम जी, जिनसे बात करेंगे हम। आशा जी, आप एक बात बताइए, बाबा साहब का जो लिटरेचर है ये सरकार ने बंद कर दिया है, और हम दो तीन साल से हमने भी कोशिश की कहीं से मिल जाए, सॉरी, तो फिर कहीं से भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ हेल्प की भाई साहब ने, कुछ लोगों ने मिल करके, तब जा करके हमको मिला। तो हमारी कोशिश है इस लिटरेचर को, बाबा साहब के थॉट्स को पूरे देश में फैलाने की अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हम लाइव दिखाते हैं, फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर लाइव, और यूट्यूब पर लिंक भी रहता है हमारा। तो आप क्या सोचती हैं कि सरकार का ये कदम कितना मतलब अच्छा है, बुरा है, क्या कहेंगी इस बारे में? आशा गौतम जी से बात करेंगे। ये जो बाबा साहब का लिटरेचर है जो गवर्नमेंट ने बंद किया है छपवाना, ये बहुत गलत किया है। इसीलिए गलत किया है कि लोगों को इससे पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी, थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। वो चाहता है कि ये जो समाज है ना पढ़े, ना पढ़ेगा ही नहीं तो नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी तो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, संघर्ष नहीं करेगा। इसलिए वो डरता है, इस समाज से डर रहा है वो, कि उसको नॉलेज हो गई तो हमारे कंधे के बराबर में आके खड़े हो जाएंगे वो, और वो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उनका समाज जो ब्राह्मण है और एक SC कम्युनिटी है वो करीब करीब बराबर पहुंच चुका है। तो वो इस लिटरेचर से बचाना चाहता है कि लोगों तक वो ना पहुंचे। आशा जी, फिर ये जो चैनल से हमने शुरुआत की है बाबा साहब के पूरे लिटरेचर और थॉट्स को पढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? कैसा लगता है कि हम कर पाएंगे ये कोशिश हमारी? देखिए, जो कोशिश है ना, कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रहेगी तो लोगों तक ये इसकी जानकारी जरूर पहुंचेगी। अगर पीछे हट गए तो फिर वो हम पीछे ही हटते चले जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए, आगे उसकी है कि कहां तक हम सफल होते हैं, जी, जी, नहीं होते हैं, ये तो पर कोशिश जरूर करनी ये चाहिए। अभी आपने सुना आशा गौतम जी को, जो बाबा साहब के लिटरेचर के बारे में जिन्होंने अपनी राय दी, तो यहीं पर अब हम किन्हीं और साथियों से बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंबेडकर नेशन हमारे चैनल का नाम है, और बाबा साहब के लिटरेचर को पूरा हम लाइव दिखाने के, लाइव लाने के लिए कोशिश में हम लगे हुए हैं। जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि।